वल्लभ भवन से उठा करके संभाग तक और संभाग से जिले तक और जिले के बाद विधानसभा के अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से विकास के लिए गली गली मोहल्ले मोहल्ले हर जगह दरकार जहां रहेगी वहां तक विकास के आयाम को ले जाया जाएगा। और ये यशस्वी प्रधानमंत्री की सरकार है जिनने आह्वान किया कि हम सरकार में आए तो ये तमाम प्रकार के जाना कितने प्रकार के षड्यंत्र होते सरकार बनाने के लिए। और उन्होंने कहा कि हमारे पास केवल चार जातियां हैं, वो चार जातियां में किसान, महिला, युवा, ये जो अपना उनका अपना समीकरण है केवल उनके लिए किसान, इनके लिए काम करेंगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि सिंचाई के संसाधन भी सबसे अच्छे कहीं पनपे तो रीवा अंचल में पनप करके गरीब से गरीब आदमी के भी जीवन में बदलाव लाने का प्रयास है। और राजेंद्र जी रुकिएगा मत, और जो प्रस्ताव बना सकते हैं, आपने कृषि उपज मंडी को अच्छा करने की बात की, मैं मंच से ही घोषणा करता हूं कृषि उपज मंडी हमारी सर्वश्रेष्ठ बनेगी, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। इसके अलावा भी विकास के मामले में आप रोजगार परक विकास की दृष्टि जरूरत है और रोजगार परक विकास के लिए निश्चित रूप से अब हमारे लिए आने वाले समय में उद्योग धंधे किसान की व्यवस्था, खास करके जिस प्रकार का समय चल रहा है उद्योग धंधे में भी माइनिंग से जुड़े जिले जहां हमारी माइनिंग है, खनिज के बहुत अच्छे संसाधन है, उनके माध्यम से विकास होगा तो वो जिले जहां ये पहले से लगे वो तो अपनी जगह है ही, लेकिन ऐसे जिले जहां इसकी दरकार है अभी गुंजाइश है उन जिलों के लिए विशेष सब्सिडी देकर के उनको भी खड़ा कर करे प्रत्येक बेरोजगार के हाथ में सरकार कोशिश करेगी उनके जीवन में सुख का उजाला आए, उनका जीवन भी बदले, ये प्रयास हमारी सरकार का रहने वाला है। नई शिक्षा नीति के माध्यम से यशस्वी प्रधानमंत्री ने नया दरवाजा खोला है कि हाँ विकास तो हम करेंगे लेकिन केवल रोटी कपड़ा मकान की बात नहीं करेंगे। रोटी कपड़ा मकान तो होगा ही लेकिन सनातन धर्म के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज करने वाले नहीं है। हम अपनी सनातन संस्कृति को भी सर्वोच्च स्थान पर रख करके आगे बढ़ेंगे इसी आधार पर, क्योंकि ये भारत अपने आप में इन विशेषताओं के कारण से ही दुनिया में सदैव आगे बढ़ता रहा है। इकबाल ने कहा है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, तो यूनान, मिस्र, रोम बड़े बड़े साम्राज्य थे लेकिन वो सारे के सारे साम्राज्य धराशायी हो गए। लेकिन हमारे अपने इस भारत की विशेषता है ये अपने यहाँ पर अपनी परंपराओं के साथ अपने पुरखों के बनाए वो उच्चतम मापदंड उनको सबको स्थापित करके चलता है। इसलिए प्रभु राम में आस्था करने का मामला हो तो हाँ कहता है कि हाँ हमारे पूर्वज थे। अब ये अलग बात है कि उसके मामले भी लोग राजनीति करते हैं, जिनको राजनीति करना वो राजनीति करे, उसकी परवाह भारतीय जनता पार्टी न कभी करी है न कभी करेगी। प्रभु रामचंद्र जी ने सारा जीवन अपना कदम कदम पर पूरे भारतवर्ष के लिए समूची मानवता को धन्य करने के लिए गुजारा है। आज भी बच्चा बच्चा सबका सपना होता है कि राम राज्य होना चाहिए। भगवान राम को इस पृथ्वी पे अवतरित हुए 17 लाख साल से ज्यादा साल हो गए लेकिन आज भी रोम रोम में राम समाये हुए हैं। और एक तरफ हम जब राम की बात करते तो हमको मालूम है आज भी बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, अरे भाई सुप्रीम कोर्ट ने निश्चित कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट से तो बड़ी कोई कोर्ट हो नहीं सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने निश्चित किया कि हाँ अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनना चाहिए, वो मार्ग प्रशस्त होना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता के मुस्लिम बंधुओं ने भी जो पिटिशनर थे उनने भी कहा कि हाँ हमको भी सहमति है, हम ये भगवान राम का मंदिर अयोध्या में बनना चाहिए। लेकिन अभी भी कांग्रेस के कुछ नेताओं का पेट दुख रहा है, अभी भी वो मानने को तैयार नहीं कि वह मंदिर बनना चाहिए। कोई इनको छोड़ने वाला है क्या? आप बताइए ऐसे लोगों को कोई माफ करने वाला है क्या जो प्रभु राम के मामले में अड़ंगा लगाए? जीते जी पहले कह रहे थे प्रभु राम की बात करते हो, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब जब तारीख भी बता दी, मंदिर भी तैयार है, 22 जनवरी को हमारा अपना प्रभु राम के गर्भगृह में प्रवेश का भी मामला है, तो आप कह रहे हैं दूसरा मुद्दा खड़ा कर दिया। अरे भाई वो मूर्ति कहाँ है? अरे भैया तुम्हारा तो भरोसा ही नहीं था राम में, तो भगवान को कहाँ ढूंढ रहे हो?
भगवान तो हमारे और आपके दिल में जो प्रभु को राम को माने वो राम के। आपने तो केवल राजनीति की है। ऐसे राजनीति करने वालों को मैं निश्चित कह सकता हूं कि आज जिस प्रकार से जन आभार यात्रा के माध्यम से वैसे तो प्रदेश भर में माहौल बना है, लेकिन रीवा ने सबसे ऊंचा छक्का लगाया है, सबसे ऊंचा अपना आज का परचम लहराया है। मैंने इतने खराब माहौल में भी जब बारिश, कोहरा, शीत, तमाम प्रकार के अवरोध, परमात्मा अपनी परीक्षा ले रहा है, लेकिन रीवा के लोगों ने और पूरे रीवांचल के लोगों ने जो स्वागत किया है, तो मैंने भी संकल्प किया है परमात्मा की दया से अगर सरकार के मुखिया का जवाबदारी दी है तो राजेंद्र जी और हम सब मिलकर के कोई कोर कसर नहीं बाकी छोड़ेंगे, प्रत्येक क्षेत्र में अपन आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमारी जवाबदारी है। अगर हम अपनी इतने प्रचंड बहुमत के बाद अगर हम सरकार को आगे नहीं ले जाएंगे तो कौन ले जाएगा, और इसके साथ साथ विकास भी करेंगे और हमारी सनातन संस्कृति पे गर्व भी करेंगे। मुझे इस बात की जानकारी है कि यहाँ पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय का एक केंद्र बनने वाला है, 20 करोड़ की लागत से उसका हमने सेंटर का विकास करने की बात कही है। अगर 100 करोड़ भी लगेंगे राजेंद्र जी तो निश्चित रूप से उसमें भी कोई कोर कसर नहीं बाकी रहेगी। जिस जिस क्षेत्र में भी पैसा लगेगा, जो विकास का काम की आवश्यकता होगी वो सारे के सारे काम होंगे। और आज हमने संयोग से मैंने कहा था कि यहाँ पर मैं जहां जा रहा हूं केवल आभार रैली नहीं कर रहा हूं, केवल भाषण नहीं दे रहा हूं, हमारे सभी माननीय विधायक, सांसद, मंत्री, इनके संभागों के साथ लाइन ऑर्डर की बैठक। आप बताइए, वर्षों से थाने बने हुए थे लेकिन थानों की सीमाओं को लेकर जनता की कठिनाइयों के लिए अभी बहुत इस बात में गुंजाइश थी। हमने निर्णय किया कि थानों की सीमा बदली जाएगी और जहां जहां नजदीक से नजदीक लाइन ऑर्डर के लिए व्यक्ति पहुंच सकता है 31 जनवरी के पहले पहले उसको दुरुस्त किया जाएगा। हमारे कार्यकर्ताओं का तो ठीक है, आम जनता का भी मान सम्मान के मामले में कोई भी प्रशासन का अधिकारी तमीजी करेगा, हमारी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी किसी कीमत पर, वो कितना भी आप बड़ा अधिकारी क्यों ना हो। सरकार का मतलब जनता की सरकार है, गरीबों की सरकार है, जनता के बीच से चुन के आते हैं, तो जनता का सम्मान करना हमारा भी दायित्व है और अधिकारियों का भी दायित्व है। इस मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। जो शासन के निर्णय हैं, हम शासन के सभी निर्देशों का यथा योग्य पालन कराने के लिए कटिबद्ध है। इसलिए शासन ने जो जो निर्णय किए उन सारे निर्णयों का पालन कराने के लिए हमारी सारी संभागी बैठकें तय हो गई है। उन बैठकों के अंदर एक एक एसीएस तय किए हैं, हमने कोशिश की है वो सारे काम करें।